कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार अच्छा कहावत है ना, तो सब नेता बार बार और जयराम बाबू एक बार इसको भी देखेंगे। मतलब जयराम मातो के एक बार दबी आ रहा, अगला साल ना दबी कैसे? तो इस बार किसको देख रहे हैं? ओनली वन, ओनली जो नव निर्माण हमको झारखंड चाहिए। पूरा ग्रीडी ग्रीडी डगमगा गया है, ग्रीडी जयराममय हो गया है पूरा। तू अच्छा, मतलब पूरा गर्मी बढ़ गया ग्रीडी में, पूरा तापमान बढ़ गया है तू। अच्छा, जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के ग्रीडी जिले डुमरी प्रखंड के लोहेडी पंचायत कर्मा टोंगरी गांव में, और आज बात करने वाले हैं ग्रीडी लोकसभा चुनाव को लेकर। समय जो कि बहुत कम है, 25 तारीख को चुनाव होगी। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, और ग्राम कर्मा टोंगरी के जितने भी युवा साथी हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, सभी लोग जो है से इस बार जयराम मंगलमय होगा। जयराम? हाँ जयराम। तो इसलिए कि वो युवा नेता हैं और युवा उभरे हुए हैं, अभी बेरोजगारी और जो है शिक्षा नीति के बात कर रहे हैं। पूरे झारखंड में जो है से इसकी जनसैलाब मैंने उमड़ा हुआ है, इसलिए ग्रीडी से ये जो है से फतह करेंगे। ग्रीडी से? हाँ, ग्रीडी लोकसभा से। अच्छा, चंद प्रकाश चौधरी को और मथुरा प्रसाद माधव को वो अभी तक हम लोग देखे नहीं है, न कभी हमारे गांव आए हुए हैं वो। अच्छा। इसलिए हम लोग उसको एक बार तो मौका दिए थे। पिछले बार वोट किसको किए थे? जय आपका चंद प्रकाश चौधरी को। अच्छा, अगले बार हम लोग मौका दिए थे, इस बार जो है से कोई काम नहीं हुआ, न कहीं कुछ मैंने उनका कुछ हुआ, इसलिए जो है हम लोग तो मथुरा प्रसाद माधव को भी तो भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग 20-25 साल से जो है से देते आए हैं, मथुरा मातो दे, चाहे बीजेपी दे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे, लेकिन इस बार जो है से हम लोग जो है से मूड बना लिए हैं कि नए मैंने जो है से अपने संगठन को, युवा नेता को जो है से अपनी ओर से जो है से पूरे ग्रामीण जो है से उसको जो है से अपनी मैंने जिताने का काम करेंगे। जयराम को? जयराम को। तो अभी बदलाव नहीं हुआ है, अगला बार तो वोट दिए थे। किनको दिए थे? वही सीपी चौधरी। सीपी चौधरी, तो 5 साल में कुछ विकास नहीं नजर आया आपको? नहीं। कमी क्या है इसमें? बहुत सारा कमी है, कुछ चीज़ का फंड आता है, मान के वैकेंसी कुछ आता है तो फिर हम लोग पोस्ट पाता नहीं है। नहीं पाता है? नहीं। इसका वजह क्या है? इसका वजह अशिक्षित होना। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं जो कि फंड आता है तो यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, ऐसा बात सामने आ रही है, और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार माथुर। अच्छा, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को कहेंगे कि इस बार हम लोग तय कर लिए हैं, जयराम माथुर की करेंगे। अच्छा, लोहड़ी पंच जयराम जयराम कर रहे हैं, क्या करेंगे जयराम माथुर? जयराम माथुर कुछ करेगा, जब से वो आंदोलन में आया है तब से देख रहे कि वो युवा के लिए वो सोच रखे कि वो करेगा कुछ। विपक्षी पार्टी लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोलता है जयराम माथुर, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बहका के रखा है सभी को। जब हम लोग यहाँ से भेजेंगे तभी ना कुछ करेगा, अभी कुछ किए नहीं, अभी आए नहीं वो अपना इथे में, तो कहाँ, मतलब शासन में भी नहीं, नहीं तो अभी कहाँ से करेगा। अच्छा, काम किए क्या चाचा? 13 करोड़ रुपया अभी शासन में, न मुखिया है न कुछ वार्ड है सदस्य है, फिर भी जो है से मैंने आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी जो है से 13 करोड़ रुपया जो है से 13 करोड़, 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ रुपया जो है से मुआवजा दिलाने काम किया है गरीब आदमी को, समझिए। मतलब आप लोग उनके तरफ, इनके तरफ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, चुनाव होने जा रहा है ग्रीडी लोकसभा का, क्या माहौल बना है आपके क्षेत्र में? जयराम मातो देंगे। जयराम मातो? हाँ। चंद्र प्रकाश चौधरी कहन देंगे? कहन देंगे उसको, जिसको हम इच्छा करेगा उसी को देंगे ना। बहन की बेटा। हाँ। कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अच्छा, कहावत है ना, तो सब नेता बार बार और जयराम बाबू एक बार इसको भी देखेंगे। मतलब जयराम मातो के एक बार दबी आ रहा, अगला साल ना दबी कैसे? जैसा दान वैसा काम होगा। अच्छा, देगा तो क्या काम करेगा? अच्छा, चंद्र प्रकाश चौधरी ना कुछ कर दिले हो? कर ले बेटा, रोड उड़ तो बनाई है, कॉलोनी दिखाइए उधर थोड़ा। हाँ, देखे घर वार लेके फोटो खींच खींच दिलिए। हाँ। दो दो तलाक लिख सब के मिल रहा, हमारा कुछ नहीं मिला। ये सब मुखिया सरपंच काम के लगे, फिर ऊपर से ऑर्डर देते तबे मुखिया में देते बेटा। अच्छा, सबके कॉलोनी अब नौकरी लग दे है और हमने देवे न करे।
वहां तो ऊपर ले देखे था तब ककर नौकरी है और ककर ना है सु देखे था तो ऊपर से ने अब हमने क्या कुछ है ना खाए बेटा तीन पीढ़ी से नौकरी ना तीन पीढ़ी से ना हमर ससुर के ना हमर ससुर के आदमी ना अजा ससुर के हालत कोई कर देला दे घर आ दस गेले बेटा से घरवा पकड़ के फोटो देलिए लेकिन ना तिरपाल दे दे तिरपाल दे दे रहे तो इस बार क्या सोचे चाची क्या सोचेंगे ये सोचेगा तो क्या एक बार इसको उठाएंगे ऊपर उठाएंगे इसको अच्छा मोदी मोदी वोट नहीं जाएगा मोदी तरफ हां मोदी तरफ सबको जेते देखबे सके जाबे एक धा एकरो देखबे एक बार एकरो हां तकर बाद हारे चाहे जेते हां देबे कैसन ने अच्छा मतलब देना हो तो जेराम हां हां देख सकते हैं इस तरह बात सामने आ रही है चलिए और जानते हैं क्या नाम है चाची कौशल्या देवी किधर जा रहा है आपका वोट जेराम माता जेराम कहीं ऐसा नहीं ना कि आपका जो कि गोतिया भाई लोग दे रहा है इसलिए दे रहे हैं नहीं अच्छा अपना मन से सब लोग हम गोतिये हैं अच्छा तो मुसलमान सब गोतिये हैं सब हाँ हमारा नाम हुआ प्रेमचंद महतो हाँ घर कहाँ और घर कर्मा टोंगरी का स्थायी निवासी है यहीं पर है यहीं पर है और हम लोग इस गांव हमारे गांव कर्मा टोंगरी जो है ना ये झारखंड का गढ़ कहे जाने वाला गांव है अच्छा जहां से हमारे महापुरुष हमारे विनोद बिहारी महतो भी जो आंदोलन हमारे यहां से चालू के हमारे इस गांव से हम लोग यहां खिचड़ी बना के जो से उनका मतलब जो से मतलब सत्कार किया गया था हैं तो हमारा जन आंदोलन का ये मुख्य धरती हमारा एक मतलब कर्मा टोंगरी गांव है जो बहुत सारा जितने भी हमारे झारखंड के आंदोलनकारी हैं जो पूर्वज में थे वो लोग हमारे गांव से यहां से मतलब सारा मोमेंट को बना के झारखंड आंदोलन जो मतलब हुआ था उसका भी मतलब प्रक्रिया हम लोग के इस गांव से हुआ था इस गांव से हुआ था इसलिए हमारा ये झारखंड का मतलब प्रमुख हमारा मतलब ये गढ़ कहा जाने वाला गांव मेरा कर्मा चाचा बड़ा बड़ा आदमी चुनावी माहौल में जो कि दारू में बिक जाता है आप लोग इस बार क्या आप इस ये हमारे जिस तरह हमारे विनोद बिहारी महतो ने जनता को जागरूक किया उस तरह हमारे जयराम महतो ने पूरे झारखंड के युवा बुजुर्ग महिलाओं को सबको जगाने का काम किया है इसलिए पूरे झारखंड में जयराम का डंका बज चुका है इसलिए अब एक ही वोट होगा जयराम महतो का जो उनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर इसमें कोई दो मत नहीं है उनका वोट 100% प्रत्येक गांव से मिलने जा रहा है बस मैं अपना वक्तव्य इतना ही विराम देता हूं मतलब रोड बनाना नहीं बिजली बचाना नहीं हमारा जमीन लेके कंपनी खोल रहा हमें रोजगार चाहिए अच्छा। तो रोजगार देने वाला जो है मतलब जमीन खरीद रहा है तो वहाँ पर रोजगार चाहिए हाँ बेरोजगार को हटाना मतलब रोजगार तो हमने देखा सबको टोटल सबको देख लिया हाँ तो इस बार किसको देख रहे हैं ओनली वन जो नव निर्माण हमको झारखंड चाहिए अच्छा नया झारखंड अलग हुआ है कहाँ ऐसा नहीं था कौन राज मिला लेकिन राज नहीं मिला नहीं मिला नहीं अभी बिहारियों का राज चल रहा है हम कहते हैं तुम यहाँ रहो तुम करो लेकिन यहाँ दादागिरी मत करो अच्छा राज मिलने से नहीं होता राज मिलना यहाँ के बेरोजगारियों को दूर करना तो हम लोग नव निर्माण झारखंड चाहते हैं क्या सोचे इस बार क्या सोचे बस हम लोग नव निर्माण 1932 हमारा जो है तो किधर मतदान करने वाले हैं इस बार मतदान डायरेक्ट जो बोल दिया गांव वाला तो सिलेंडर ओनली सिलेंडर बस अच्छा नव निर्माण हमें चाहिए नव निर्माण नया झारखंड चाहिए तो देख सकते हैं इधर चाचा को नया झारखंड चाहिए नव निर्माण चाहिए तो इधर भी देख सकते हैं गैस सिलेंडर यहाँ पर रख दिए हैं प्रचार करने के लिए है ना प्रचार करने के लिए बताने के लिए गैस सिलेंडर जरा महतो का है चुनाव चिन्ह अच्छा चावल आलू प्याज चावल और चावल। ये चावल कहाँ से लाए हैं हर घर से हर हमारा जो है लेडी टोंगरी दादी हाँ कर्मा टोंगरी सब खुशी से दिया खुशी से दिया कि जयराम महतो जितना मैं देता हूँ कोई तो चावल आलू से क्या होगा जी उसे खाना बनाएंगे खिचड़ी जैसे हम लोग कहीं बैठेंगे तो खिचड़ी बनाएंगे अच्छा बड़ा सभा का तैयारी चल रहा है क्या सभा नहीं सभा हो चुका अच्छा अब प्रचार से छोटा छोटा गांव में हम लोग जाएंगे तो वही खिचड़ी बनाएंगे फिर वहीं से चावल लेंगे फिर 20-20 रुपये सब देने के लिए तैयार है 20-30-50 जो देता है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो का आप लोग मदद कर रहे हैं मदद नहीं वो क्रांतिकारी है हम क्रांतिकारी हाँ उसको मदद समझिए चाहे हेल्प समझिए नहीं
वो हमारे लिए लड़ रहा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ बस। अच्छा जवाहर, क्या नाम है आपका? टेकलाल कुमार महतो। घर कहाँ हुआ? घर यहीं है। अच्छा यहीं पर? हाँ सब यहीं है। अच्छा क्या कहेंगे चुनावी माहौल को? चुनावी माहौल को टाइगर जयराम को महतो को तो संसद बनाना है और दिल्ली भेजना ही भेजना है। अच्छा। कहा है कि पहले का जितना भी पार्टी का नेता सब आए हैं सबको मौका दिए हैं, लेकिन झारखंड के प्रति किसी को कोई देखने वाला कोई नहीं, कोई पहल नहीं की। हाँ, कोई पहल नहीं हुआ तो इसलिए चंद्रप्रकाश चौधरी ने किए कुछ। चंद्रप्रकाश चौधरी को भी अगले बार मौका दिए थे, 5 साल में उसका कार्यकाल तो कुछ नहीं नजर आया। और तो अब इतना उन लोग गांव ग्राम से खौफ हो गया है चंद्रप्रकाश चौधरी को, गांव तक आने तक नहीं इनका मतलब गुस्सा हो गया पूरा। हाँ, बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज है, बहुत जनता नाराज है सभी नेताओं से। जितना हमारे झारखंड पर शोषण हुआ है इसके प्रति कोई नेता मंत्री आवाज नहीं उठाया अभी तक। अच्छा, इस बार मतलब क्या सोचे आप लोग? इस बार जयराम महतो को संसद बनाना है और दिल्ली भेजना है। जयराम महतो को संसद बनाना है और दिल्ली तक भेजना है। देख सकते हैं क्या माहौल बनी हुई। हमारे माननीय आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी के नेतृत्व में पढ़कर जो कम उम्र में हमारे झारखंड का जो विकास उद्योग नीति नियोजन नीति का जो बात करता है, कम समय में करने के लिए उतावल है, हम उनको वोट करेंगे। जो उनका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर टाकी, उसमें वोट करेंगे और एकजुट होकर उनको विजय बनाएंगे। जब अलग नहीं हुआ था उस टाइम से हम झारखंडी कहला रहे हैं। अब तो झारखंड हमारा बन चुका है, लेकिन अभी भी हम बेघर हैं। इसका कारण कहाँ है? कारण यही है जो हमारे चंद्रप्रकाश जी को लाए, उनके पूर्व में और भी आए, लेकिन हमारा शकल देखने ना, हम आज तक उनका शकल देख रहे हैं। तो हम ऐसी स्थिति में हमारा नौजवान एक वीरों का दहाड़ पारसनाथ के पहाड़ से दहाड़ कर जो निकला है, हम उनको वोट करेंगे। जयराम महतो, हाँ, वो एक छलांग मारेगा ना तो दिल्ली नहीं अमेरिका चला जाएगा। अच्छा। और वहाँ से खींच के लाएगा, वहाँ से योजना लाएगा, लोगों का हित में काम करेगा। ये लोग तो भाई मतलब बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा होने के कारण ये लोग छलांग नहीं मार पा रहे हैं हमारे जयराम महतो। लेकिन कहीं ना कहीं बूढ़े लोग के पास बहुत ही दिमाग रहता है चाचा, ये कैसे कह सकते हैं आप? दिमाग है लेकिन उनका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। हमारे नौजवान उनको उठाने के लिए कौन है? हमारे नौजवान है, हम कंधा से कंधा देंगे। 4 नौजवान अगर कंधा देंगे तो 50 का भारी पड़ेगा, वो अकेले उठाएंगे तो नहीं होगा। आज स्थिति वही, आज इलेक्शन में सब आए वोट मांगने के लिए, सब आ रहे हैं, लेकिन हम एक को क्यों चुन रहे हैं? हम उन्हीं को चुनते है तो दिमाग वाला, काम करने वाला भी नहीं है। मतलब इस बार ठान लिए आप लोग बदलाव के? हाँ बस निश्चित है। लग क्या रहा है, पूरा ग्रीडी ग्रीडी डगमगा गया है, ग्रीडी जयराममय हो गया है पूरा। तो अच्छा, मतलब पूरा गर्मी बढ़ गया ग्रीडी में, पूरा तापमान बढ़ गया है। तो अच्छा, और जीत भी रहा है। आप लोग के गांव में भी अगर रिपोर्टिंग करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए वहां पर नंबर पर। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहर झारखंड।